डिफ्रेंसिएशन का कुछ रूल होता है, उस रूल को देखते हैं और उसके बाद इस पर एक जो है ना सवाल बनाया जाता है। तो फार्मूला तो हम लोग देख चुके हैं, अब इस पर रूल देखते हैं क्या रूल्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन, रूल्स फॉर डिफ्रेंसिएशन, रूल मतलब डिफ्रेंसिएशन के लिए कुछ रूल्स है। जैसे क्या रहेगा, आपको वाई बराबर कुछ दिया रहेगा, वाई बराबर जैसे यहाँ हम क्या मानते हैं कि वाई बराबर यू प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू, इस तरह से आपको दिया रहेगा। तो जैसे हम यहाँ क्या माने वाई इक्वल टू आपको इस तरह से दिया रहेगा, कैसे मान लो कि टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव, मान लो कि इसी तरह दिया हुआ है। तो यह क्या है, कितना फॉर्म है, कितना टर्म है, एक दो तीन टर्म है, उसी तरह बहुत सारा एक दो तीन या यू वी डब्ल्यू हो सकते हैं, एक्स वाई और सारा होगा। यहाँ जैसे तीन टर्म है, इसी तरह आपका सवाल जब रहेगा तो उसमें क्या कहेगा, उसमें डिफ्रेंशिएट करें तो डी वाई डी एक्स, तो ये जितना टर्म होगा सभी के साथ को डिफ्रेंशिएट, यू के साथ भी डिफ्रेंशिएट है, वी के साथ भी डिफ्रेंशिएट है और डब्ल्यू के साथ भी डिफ्रेंशिएट, जितना टर्म होगा उतना टाइम हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर उसी तरह यहाँ क्या दिया हुआ है आपका, करें क्या यदि इस फॉर्म में हो क्या वाई इक्वल टू यू इन टू वी, मतलब कोई दो टर्म दिया रहेगा, ऐसा सवाल देगा क्या, वाई बराबर दे देगा आपको साइन एक्स एन टू कॉस एक्स, आप कहेगा इसको डिफ्रेंशिएट करें कि आपका यू हो जाएगा तो ये हो जाएगा भी, यदि आपको इसको यू मानेंगे तो इसको भी मानना पड़ेगा, तो ये यू इंटू भी लगता है, यू इंटू भी डिफ्रेंशिएट क्या होता है, यू इंटू भी आप यू को फ्री कर सकते हैं या तो मैंने आपको भी को फ्री कर सकते हैं, किसी को फ्री कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हम क्या किए, यू को फ्री किए तो भी के साथ डिफ्रेंशिएट किए, प्लस फिर भी को फ्री किए तो अभी यू के साथ डिफ्रेंशिएट कर दिए, आपका मर्जी कि पहले हम यू कर सकते हैं या तो हम इसको पहले लिख सकते हैं और उसको बाद में लिख सकते हैं। ये था यू इंटू भी पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल आता है। फिर क्या डिफरेंशिएट यू बटे भी, जब को जब भाग भाग के फॉर्म में तो वाई बराबर आपको इस तरह से दे सकता है क्या साइन एक्स बटे कॉस एक्स का डिफरेंशिएट भी याद करें, तो ये आपका यू का आएगा और ये आपका क्या कहलाएगा भी का आएगा। जब इस फॉर्म में होता है तो उसके लिए एक नियम दिया क्या, जब डिफरेंशिएट वाई बराबर यू बटे भी के फॉर्म में हो तो हम क्या कर सकते हैं, याद रखना है क्या, जब भी आपको बटे फॉर्म हो तो हमेशा भी को फ्री करते हैं, ये याद रखना कि हमेशा भी को फ्री करते हैं, उसके बाद यू के साथ क्या करते हैं डिफरेंशिएट, फिर माइनस या क्या होता है माइनस यू इंटू भी क्या होता है प्लस या क्या होता है माइनस, जैसे पहले भी को फ्री किया यू के साथ डिफरेंशिएट, फिर क्या करना है यू को फ्री करना है, फिर भी के साथ क्या करना है डिफरेंशिएट, और लास्ट में क्या करते हैं बटे जो नीचे में रहता है उसका यू मतलब भी स्क्वायर, जो नीचे रहेगा उसका क्या करना है स्क्वायर कर देना है। तो ये आपका यू बटे भी में फिक्स एक आपको भी को फ्री करना है, क्या भी को फ्री करना है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका सवाल में जो है ना अधिकांश आपका यूज आएगा, ये चैन रूल, चैन रूल को समझते हैं नहीं, अगर समझ जाएंगे तो हम इसको एग्जांपल लेके आपको दिखाएं कि चैन रूल क्या था। तो यहाँ क्या है कि हमको डी वाई पे डी एक्स निकालना है, तो क्या देख रहे कि हमको डी वाई पे डी एक्स जो हमको निकालना है उसको ऊपर में लिख देते हैं, बाकी इसके नीचे हम क्या दिए यू, यहाँ जैसे यू दिए थे कहा गया डी यू लिख दिया, क्या गया डी यू, अब क्या होगा फिर हम लिख दिए डी वी, फिर ऊपर लिख दिए डी वी, तो क्या इसका मतलब और कि ये डी यू कट जाएगा, फिर ये डी वी कट जाएगा, क्या बच जाएगा डी वाई के डी एक्स। इस तरह से जो है जब तक हमको जब तक जरूरत पड़ेगा उस तरह से हम इस तरह से सजा सकते हैं। आपका मान है कि हम यू लिखे थे या फिर आपके लिए तो डी डब्ल्यू थी, फिर क्या जाएगा डी डब्ल्यू बटे डी एक्स, लेकिन लास्ट में ये चीज आना है, अगर डी वाई लास्ट में आना ही आना है, तो क्या यही होता है चैन रूल। तो अब हम इस पर जो है एक सवाल करके देखते हैं, मतलब ये सब यूज आएगा और आपको उस जितना फॉर्मूला लिखना है उसको आप रख लीजिए, बाकी अब प्रत्येक फार्मूला पर जो है ना सवाल करके देखते हैं, आपको फार्मूला बेस्ड सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे ये साल 2021 में। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखते हैं, फार्मूला देखते हैं।